दोस्तों नमस्कार। कल हमने आपको एक काऊ काफ दिखाया था और उसको ब्लडी डायरिया हो रहा था, तो आप लोगों से पूछा गया था कि क्या आप इलाज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें फर्स्ट कमेंट दिया है हमारे आर के मेहरा गेमिंग जी ने, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं। नमस्कार सर जी, इसमें हम आरएल देंगे, सल्फा ट्रिम देंगे, मोनोसेप। अरे यार, सल्फा ट्रिम और मोनोसेप एक साथ दो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हजम नहीं हुआ भाई। मुकेश दामू जी, मोहन गिलबिले जी, फैन क्लब जी, संतोष मीणा जी, सिंह नमन जी और घनश्याम लीलावत जी, हरफ्रीश जुगडे जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्यार हमारे चैनल के लिए भेजा है। घनश्याम लीलावत जी कहते हैं कि आरएल 500 ml, मेलोक्सिकाम 7 ml और साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी लगाएंगे, आरटी जोन भी लगाएंगे और सल्फा ट्रिम भी देंगे और डिवॉर्मिंग नीलजान से। देखिए, नीलजान से डिवॉर्मिंग करने का मतलब है कि आप एक दिन वेट करके उसे ठीक करेंगे। तो डिवॉर्मिंग करने से पहले हमें ये देख लेना है या सोच लेना है कि एक दिन का समय ज़रूर उसे ठीक होने में लगेगा। चंद्र सिंह जी ने भी प्यार भेजा है, अजीत यादव जी ने प्यार भेजा है, राकेश कुमार जी ने इलाज भेजा है, डिवॉर्मिंग करके बायोट्रिम, एट्रोपिन, मेलोनेक्स और CPM बिकोमनेस लगा दो। बिल्कुल अच्छा आपने किया है, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट आपने बताया है, लेकिन अगर सुपर करना है तो उसके लिए आपको सेलाइन चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर हर्ष गंगवानी जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ आफ्टर रीडिंग ऑल द कमेंट्स ट्राई टू गिव एन आइडियल ट्रीटमेंट फॉर दैट केस फॉर साइड, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। देखिए, बिल्कुल अच्छा आपने सजेशन दिया है और मैं हर एक वीडियो में ये करता भी हूँ, लेकिन अभी तक मैं जो कर रहा था वो आपके कमेंट्स में ही गलतियाँ और सही के हिसाब से कर रहा था, लेकिन अब आपने बहुत सारे निवेदन आपके अलावा भी आए थे कि आप एक आइडियल ट्रीटमेंट ज़रूर बताएं। तो इसी वीडियो से हम शुरुआत कर देते हैं। एक आइडियल ट्रीटमेंट आपको हर एक वीडियो में मिलेगा, अब वो अंत में मिलेगा या बीच में मिलेगा वो आप देख लेना, तो आपको ज़रूर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, सोलंकी चराग सिंह जी ने और हमारे दशरथ घोष जी ने प्यार भेजा है और हमारे भौतिक बराड़ जी ने ट्रीटमेंट भी भेजा है कि आरएल हम दे देंगे और ट्राइबिवेट, यूरिमिन, CPM, सल्फा डिमेडिन और सल्फा बोलस हम देंगे और हेमोस्टेटिक बोलस भी दे देंगे। बहुत अच्छा आपने लिखा है, लेकिन इंजेक्शन सल्फा डिमेडिन की जगह अगर आप सल्फा ट्रिम यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे रिजल्ट आपका सुधरेगा। इसके बाद में गिरी बाबा जी ने एल्बोमार नॉर्फ्लॉक्स TZ एक सुबह शाम देने के लिए कहा है। चलिए ठीक है, इसी से काम चला लेंगे, लेकिन ये नॉर्मल ट्रीटमेंट ही होगा। जब आप गए हैं एज ए वेट तो आपको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। इसके बाद हमारे संतोष मीणा जी हैं जिन्होंने एल्बोमार को जगह दी है, एल्बोमार 20 ml यानी 60 ml, 60 किलो इन्होंने वजन माना है और 20 ml दी है, अच्छी बात है। आरएल 500 ml, मेट्रोजिल और सल्फा डिम, अरे यार सल्फा डिमेडिन वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। आप इसका एक आइडियल डोज देखना, सल्फा डिमेडिन की क्या होती है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें सल्फा डिमेडिन कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे भाई सचिन सिंह यादव जी, सर जी हमारी गाय 5 महीने की गैबिन है और गुदा द्वार से हवा निकलती है। देखिए सचिन जी, ये सारे जो कमेंट्स हैं वो हम डीडी रामावत के, हमारा जो मेन चैनल है डीडी रामावत, उसके कमेंट्स में से लेते हैं और रामावत वेट ज्ञान पर वीडियो डालते हैं, तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर दें ताकि आपके कमेंट को लेकर के वीडियो बनाया जा सके। इसके बाद मैं यहाँ से भी प्रयास करूँगा सचिन जी कि आपका कमेंट लूँ। दिग्दर्शन सिंह जी, डिवॉर्मिंग पेनाकोर बोलस से कर देंगे, सल्फा डिमेडिन की 2 बोलस दे देंगे, रोमन एपेस दे देंगे, इंजेक्शन मेलोनेक्स और बिकोमले CPM बायोट्रिम काफ़ी अच्छा गए हैं, आफ्टरनेक्सेमिक एसिड भी यूज़ किए। दिग्दर्शन जी, यहाँ आपने जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो अच्छा किया है, बस थोड़ा सेलाइन ऐड कर देते तो 4 चांद लग जाती। बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने किया है और यहीं पर हमें जवाब भी मिल गया है दिग्दर्शन जी से कि हमें यहाँ पर डिवॉर्मिंग अगर करवा रहे हैं तो ये सोच लें कि एक दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, ये दिमाग में रखें। बाकी यहाँ पर जो सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की है अच्छी यूज़ की है और बढ़िया है, इनसे रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आकाश कुमार जी ने आरएल सल्फा ट्रिम को जगह दी, बढ़िया, और ट्राइवेट और डेक्सा, यार डेक्सा मत लगाओ, डेक्सा इम्यूनिटी को डाउन कर देता है काफ़ की।
तो जहाँ तक हो सके ना लगाएं तो अच्छा है। अरविंद यादव जी ने डिवॉर्मिंग 15 ml एल्बो मार से यानी 45 किलो वजन माना है, इंटरसेप्ट टेजू लगा दिया यार, वो थोड़ा सा सही नहीं है। आप यहाँ पर जो सूटेबल एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वही लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे 2.0 विनेश शर्मा जी ने नमस्कार 0 SA से बॉलर से, और फिर इन्होंने बी कॉम्प्लेक्स 2 ml, यार 2 ml ट्राइबीवेट, 2 ml बी कॉम्प्लेक्स, 2 ml CPM, टेरामाइसिन 3 ml, ये थोड़ा सी हजम नहीं हुई बातें यार। मोहन गिलबले जी ने भी लिखा है सिर्फ एल्बोमार 30 ml, क्या 90 किलो वजन है मोहन जी यहाँ का आपका? खैर आपने 90 किलो माना है, RL 500 ml दिया है, ट्राइबीवेट 3 ml दिया है, सल्फाट्रिम 5 ml दिया है, CPM बाकी काफ़ी कुछ ठीक है। आकाश कुमार जी ने एनाप्लाज्मा और थायलेरिया बिल्कुल डिफरेंस करना है, ज़रूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। मुकेश दामू जी कह रहे हैं फर्स्ट डिवॉर्मिंग एंड लिवर टॉनिक दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। और बोलस अल्फा डिवाइडिंग सल्फा डिमेडिन इंजेक्शन मैग्लूडाइन, थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार दें मुकेश दामू जी, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा। घनश्याम सर जी ने भी हमें प्यार भेजा है। इसके अलावा हमारे जय किशन सिंह जी ने भी अच्छा लिखा है, सल्फाट्रिम देंगे, RL देंगे, मेलोनेक्स मेट्रोजिल दे देंगे, और टोनोफोस्फोन टोनोसिटी के लिए आईटेक बोलस, आपने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया है, अच्छी बात है। नंद किशोर जी ने भी प्यार भेजा है, और अश्विनी काजल जी ने बैक्टीरियल डायरिया लग रहा है, पाउडर नेवलोन देकर के साथ में बोलस ऑफ्लो और टिंडाजोल दे दें तो डिवॉर्मिंग करवाएंगे बाद में, अच्छा है आपका भी ठीक है। इसके बाद दरबार मीत जी ने प्रणाम सर जी डिवॉर्मिंग फास्ट मेट्रोजिल और RL सल्फा ट्रिम या सल्फा डिमेडिन और इंड्रो, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक साथ इम्यूनिटी पर बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है। तो देखिए ऐसे केसेस में जहां पर भी आप डिवॉर्मिंग करवाना चाहें, आपको लगता है कि पेट में कीड़े हैं और आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, तो ये मान के चलें कि उसे ठीक होने में 1 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि डिवॉर्मिंग के तुरंत बाद पशु ठीक नहीं होते हैं, 1 दिन का समय लेते हैं। इसलिए पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें। बाकी यहाँ पर सही ये होता है कि ऑफ्लोक्सेसिन और ओरिंडाजोल की जो बोलस आती है वो अगर हम देते हैं तो ये बोलस क्या करती है, ये बोलस डिवॉर्मिंग भी करवा देगी और डायरिया में बहुत अच्छा काम करेगी। तो बोलस रूप में वो काम में ले लें, बाकी RL है, मेट्रोजिल है, उसमें सल्फा ट्रिम है, ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता। पेट दर्द है तो स्पास्टिक लगा देंगे, ब्लड ज़्यादा है तो कोई भी हेमिस्टेटिक जैसे जैक शॉट, जहाँ पर कईयों ने ट्रनेक्सेमिक एसिड का नाम लिखा है, बहुत अच्छा है। तो ये अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो इसे काफ को एकदम से ठीक किया जा सकता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा डिवॉर्मिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 दिन का समय डिवॉर्मिंग के बाद लगता है। डॉक्टर हर्ष गोस्वामी जी ने भी RL बीकॉमले CPM एट्रोपिन बायोट्रिम स्पास्टिक, हाँ कहीं पॉइजनिंग का डाउट होता है तो हम एट्रोपिन लगा देते हैं, बाकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। इथाम सिलेट आपने 3 ml लगाया, ये अच्छी बात है। मेट्रोजिल 200 ml दे दिया, आपका भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का चैनल के लिए मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।